इंतजार हम काफ़ी टाइम से बेसर्विस हमारे डिवाइसेज के लिए कर रहे हैं, जिनमें से कई सारे डिवाइसेज के लिए ये अपडेट रोल्ड आउट कर लिया गया है और बहुत सारे डिवाइसेज के लिए रोल बैक भी कर लिया गया है। और हम लोग इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि भाई शेड्यूल दिया गया फिर उस शेड्यूल के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, ताकि हमें कब अपडेट देखने को मिलेगा और जो अपडेट मिलते हैं उसे रोल बैक क्यों कर लिया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे MIUI इंडिया ने अपने ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पे एक नया पोस्ट दिया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें आज के डेट में 12 PM पे है जो इसके बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी ऑफिशियली, क्योंकि आप देख सकते हो टिकटॉक काउंटडाउन है जो शुरू हो गया है, जो कि 12 अगस्त को 12 PM पे है जो अनाउंस किया जाएगा इनके ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है उन पे लाइव आने के बाद। और साथ साथ बीटा प्रोग्राम भी मे बी शुरू किया जाएगा इंडियन यूजर्स के लिए और ग्लोबल यूजर्स के लिए, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस 12 PM का इंतजार है और देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और ये जो टाइमिंग हो रहा है और जो बार बार रोल बैक लिया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे एंग्री भी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे Redmi के Note 7 Pro के लिए Android 10 Plus MIUI 10 अभी तक देखने को नहीं मिला है और बार बार दिया जाता है अपडेट और रोल बैक ले लिया जाता है। पोको F1 के साथ सेम वही हो रहा है, बार बार शेड्यूल चेंज होता जा रहा है और पोको S2 का जो आया था अपडेट उसे भी रोल बैक ले लिया गया, जिसका मैंने आपको रिव्यू प्रोवाइड किया। और साथ साथ जो Redmi का K20 और K20 Pro है, इनमें 75% फीचर से जो मिसिंग है जो कि हमें चाइना में देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज है जिनको अपडेट तो मिला है बट बहुत सारे फीचर्स है जो मिसिंग किए गए हैं, जो कि प्रॉमिस किया गया था जब अनाउंस किया गया था MIUI 12 का जो लाइव इवेंट हुआ था उसमें। तो आज देखते हैं कि MIUI 12 के जो लाइव इवेंट फिर से होने वाला है, जो अनाउंसमेंट किया जाने वाला है, उनमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और क्या कुछ हमें जो नजर आता है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके डिवाइस को कब MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा और अगर रोल्ड आउट हो गया है तो क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं या फिर से हमें मिसिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाला हूँ MIUI 12 के बारे में लाइव इवेंट के बाद। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें, ताकि मैं आपको जैसे ही वीडियो शेयर करूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फुल बेनिफिट है जो यहाँ पे ले पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर 12 PM, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।